नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल मैं आशीष तमरजा में। इस वीडियो में मिशन गणित के तहत क्लास 8 का दिनांक 14 अक्टूबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। यहाँ हमारा आज का टॉपिक है अनुपात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशियो। अब यहाँ पे देखिए, 2 kg एप्पल और 3 kg मैंगो है, उसका कंपेयर करना है। या फिर स्पीड ऑफ एरोप्लेन ये दिया हुआ, स्पीड ऑफ बस ये दिया हुआ, तो इसका कंपेयर करना है। तो कह रहा है, इन आवर डे टू डे लाइफ वी ऑफन कंपेयर टू क्वांटिटीज, बाय कंपेयरिंग क्वांटिटीज वी कैन फाइंड हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज ऑफ द व्हाट या और द व्हाट पार्ट ऑफ क्वांटिटी इज ऑफ अदर। यानी हमारे दैनिक जीवन में हम अक्सर दो राशियों की तुलना करते हैं। राशियों की तुलना करके हम यह पता लगा सकते हैं कि एक राशि दूसरे से कितने गुने अधिक है या एक दूसरे से कितना भाग या हिस्सा है। हम राशियों की तुलना करने के लिए अनुपात का प्रयोग करते हैं। जब हम दो राशियों की तुलना करते हैं तो इसकी इकाइयाँ, जो यूनिट है वो समान होनी चाहिए। यानी किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अब अनुपात को हम इस रेशियो को हम इस तरह से, इस चिन्ह से दर्शाते हैं। जैसे 1:4 हुआ तो 4 की तुलना में 1 पढ़ा जाएगा, या इंग्लिश में हम कहेंगे 4:1 1:4 1:4 या 4 की तुलना में 1, 4 की तुलना में 1 पढ़ा जाएगा। अनुपात की कोई इकाई नहीं होती क्योंकि वह कट जाता है। अब जैसे दिया हुआ है, अनुपात ज्ञात करने के लिए दो राशियों की तुलना करने की सरल विधि। अब जैसे 70 सेंटीमीटर से अनुपात ज्ञात करना है, तो पहले इसको भी मीटर में हमें चेंज करना है। तो ये हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 700, और ये है 70, तो इसको हम कर सकते हैं ऐसे 700/70 कर लीजिए, जिसको पहले लिखना। तो ये कट करके ये हो जाएगा 10:1, तो लिखेंगे 10:1, ये अनुपात हो गया। अब ये आपको यूनिट दिया हुआ, 1 रुपये में इतने पैसे, 1 दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 किलो। तो ये राशियां आपको कन्वर्ट करना होगा। जैसे दिया हुआ, 1 पुस्तकालय में 1200 अंग्रेजी के, इंग्लिश के और 1800 गणित की पुस्तकें हैं। तो अब जिसको कह रहा है पहले लिखने के लिए, अंग्रेजी की पुस्तकों का गणित की पुस्तकों के अनुपात में लिखना है। अर्थात जिसको आपको पहले कह रहा है, देखिए, इन अ लाइब्रेरी देयर आर 1200 बुक्स ऑफ इंग्लिश एंड 1800 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, फाइंड द रेशियो ऑफ इंग्लिश बुक्स। तो इंग्लिश बुक को पहले लिखना है, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक अपॉन में नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स। तो ये हो जाएगा 12, दोनों का एक ही इकाई है 1200, और अपॉन में 1800 कर दें तो बराबर में हो जाएगा। यह कट गया, 6 × 12, 6 × 3 = 18, तो 2:3 इसका रेशियो हो गया। अब इसी तरह कह रहा, फाइंड द रेशियो फॉलोइंग, स्पीड ऑफ साइकिल 15 km/h और स्पीड ऑफ स्कूटर 30 km/h। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले साइकिल की बात किया हुआ है, तो स्पीड ऑफ साइकिल इज टू स्पीड ऑफ स्कूटर, तो 15:30 हो जाएगा। किस पहाड़े में दोनों जा रहा है, यहाँ से भी काट सकते हैं, या 15 के पहाड़े में दोनों जा रहे हैं तो बराबर में 15 × 15, 15 × 2 = 30, तो 1:2 हो गया, या 15/30 करके आप इसको
एक बटे दो लिख करके ये भी लिख सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है 3 मीटर टू 3 किलोमीटर, तो 3 मीटर और इधर 3 किलोमीटर। अब ये अनुपात तभी हो पाएगा जब इसको मीटर में बदलेंगे, तो 3 मीटर इज टू 3 और 1 किलोमीटर में क्या होता है 1000 मीटर होता है, तो यह हो जाएगा 3 मीटर और इज टू 3000 मीटर। तो ये भी मीटर में हो गया, तो 3 से ये कट गया तो 1000 हो जाएगा, यहाँ पे 1, तो 1 इज टू 1000, ये आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आओगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।